नमस्कार R9 टीवी के खास कार्यक्रम कुरुक्षेत्र 2019 में स्वागत है आपका। और आज हम पहुंचे हैं पानीपत। पानीपत यूं तो इतिहास में अपनी तीन लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बार फिर पानीपत में रण क्षेत्र सज चुका है। लेकिन इस बार कारण है हरियाणा विधानसभा चुनाव कारण। और आज हमारी टीम यहाँ पहुंची है, यहाँ तमाम नेता मौजूद हैं, पानीपत की जनता मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इस बार पानीपत का क्या मूड है, यहाँ की जनता किसे जिताने वाली है, या सत्ता में जो पार्टी है, जो वायदे किए गए थे जनता से, कितने पूरे हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ रमेश मलिक जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उसके अलावा हमारे साथ OP जैन जी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और अब की बार आज़ाद चुनाव लड़ने के मूड में है। टीपू जी हमारे साथ है जननायक जनता पार्टी से, और उसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं राम रतन जी। उसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं BR कौशिक। मैं जनता से कहूँ हमारे जितने भी साथी हैं सबका तालियां बजाकर स्वागत करें। उसके अलावा संदीप भारद्वाज जी जुड़े हैं, समाज सेवी हैं, युवा नेता हैं और अपने हलके के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम जैन साहब के पास चलेंगे, उन्होंने पानीपत ग्रामीण और पानीपत सिटी दोनों ही जगहों से चुनाव भी लड़े हैं और यहाँ की समस्याओं से, हालात से अच्छे तरीके से वाकिफ भी हैं। जैन साहब, कैसे देखते हैं बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को? क्या पानीपत की जो ज़रूरतें थी वो इन 5 सालों में पूरी हुई हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ इंडिपेंडेंट। मेरे साथ सभी पार्टियों के लोग भाग होते हैं, तो इसलिए मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो जैन साहब, पानीपत की समस्याओं को लेकर ही बात कर लीजिए, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पानीपत के लिए करेंगे क्या, इन्हीं को लेकर बात कर लीजिए। हाँ, मैं अपने बारे में जरूर बतलाऊँगा कि 96 में जब मैं बना तो पानीपत के अंदर कोई सचिवालय नहीं था, और जो सचिवालय की जगह है ये किसी एक परिवार ने घेर के इसमें खेती बाड़ी करती थी। मैं लोगों ने MLA बनाया और जयवंती शोकन DC आ गई, LM मेहता डिफेंस सेक्रेटरी लग गए। हमने रिक्वेस्ट की डिफेंस सेक्रेटरी से और ये ज़मीन अम्बाड़ा बदली और अम्बाड़े से यहाँ बदली, बदल करके यहाँ आप देखें कि हरियाणा में इससे बढ़िया कोई सचिवालय नहीं है। सचिवालय तो बना लेकिन समस्याएं बहुत है, इंडस्ट्री का हमने देखा बहुत बुरा हाल है, कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है, कोई बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है, तो क्या इसकी ज़रूरत पानीपत को नहीं है? देखिए, मैंने अपने टाइम में, मुझे पहली बार 7 महीने मिले और दूसरी बार 1 साल 2 महीने, हमने बनते ही कॉलोनियों का, बस्तियों का विकास किया और आपके पानीपत के अंदर देशबंधु गुप्ता कॉलेज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मंजूर कराया, और जबकि मैं एजुकेशन मिनिस्टर था मैंने इसको बनवाया। आपके सामने है, गरीब का बच्चा छोटी ही फीस के अंदर वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, जैन साहब आएंगे आपके पास, रमेश जी से जान लेते हैं, आपकी सरकार 5 साल से है तो पानीपत के लिए क्या बड़े काम किए हैं आपकी सरकार ने जिससे पानीपत की स्थिति बदली है? देश में और प्रदेश में ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश में 370 धारा हटा के 35 से हटा के बहुत अच्छा काम किया है, 35 से हटा के जनहित के जो काम किए हर देश को एक बनाया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। दूसरा, पानीपत की समस्या भी ले लीजिए, पानीपत में इतनी समस्या थी, कॉलोनियों में आप जा भी नहीं सकते थे, पैदल भी नहीं निकल सकते थे, पैदल का रास्ता भी नहीं था, बहुत बुरा हाल कॉलोनियों का था। जो यहाँ पर नली का, गली का बहुत सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पानीपत में किया है, बस स्टैंड को बाहर ले जाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या बाहर चला गया है? अभी बन रहा है, बन रहा है अभी। अब जो शुगर मिल की समस्या थी यहाँ पानीपत में, वो भी बाहर बना, वो भी नहीं है, बना वो भी नहीं, वो भी निर्माणाधीन है, वो भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, जो बच्चे मेरिट बेस पे, भारतीय जनता की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 5 साल चली है उसमें बच्चा जो मेरिट बेस पे आएगा वही नौकरी पाएगा,
वो ऐसा काम किया है जो मास्टरों का ट्रांसफ़र का काम था, पोर्टल सिस्टम बना के कोई भी किसी को उठा के दूसरी जगह भेज देता था, जिसके पास ताकत थी या नेता की या पैसे की वो कहीं भी किसी को उठा के भेज देता था। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने एक पोर्टल सिस्टम बना के मास्टरों का जो तबादला होता है वो ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई जो 5 साल एक उसमें करेगा, 7 जोन बना दिए, एक जोन में 5 साल करेगा, मास्टरों को धक्के खाने की जरूरत नहीं है, जो अपने ट्रांसफ़र के हिसाब से पारदर्शिता के हिसाब से 5 साल करने के बाद वो दूसरे जोन में जाएगा। बिल्कुल काम कर दिया है। टीपू जी आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि पानीपत के लिए बहुत काम कर दिया है, रोजगार की समस्या को ख़त्म कर दिया गया है, भ्रष्टाचार पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और डेवलपमेंट के और भी जितने बड़े काम थे, चाहे किसानों की उन्होंने बात की कि शुगर मिला है उसको बाहर ले गए, कितना मानदिक काम हुए हैं यहाँ पे। जयदीप जी, जैसे भी आपने जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं रमेश मलिक जी, इनसे जब आप बात कर रहे थे, इनकी बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे सबसे पहले इन्होंने बात रखी कि हमने बस स्टैंड को बाहर कर दिया है, शुगर मिल को बाहर कर दिया है, एकमात्र अखबार में घोषणा करना, एक पत्थर लगाना, अगर इसको ये बाहर समझते हैं, विकास समझते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, ये कोई विकास नहीं है। सिर्फ मौखिक रूप से घोषणा कर देना कोई डेवलपमेंट नहीं होता। दूसरी चीज़ इन्होंने दूसरी बात रखी कि गलियों का, नालियों का हमने सड़कें बनाई हैं, ये विकास किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से जस्ट 5 मिनट की दूरी पर, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर चुंगी से लेकर के देवी मंदिर का जो रोड बना हुआ है उस पर आज से ठीक 2 साल पहले वो सड़क और ड्रेन बनने का काम हुआ था। वो ड्रेन की स्लेब पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसमें काफ़ी बार मतलब गाय फंस चुकी है, भैंस फंस चुकी है, जब बरसात होती है तो ओवरफ्लो में आदमी वगैरह भी उसमें गिर चुके हैं और बार बार कंप्लेन करने के बाद उसका कोई हल नहीं। आप कहना चाहते कि सिर्फ कागजों में इन्होंने घोषणा ही काम नहीं हुआ है, जनता के पास जाएंगे, जनता से हकीकत जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई जो नेता कह रहे काम हुआ है। आप कैसे, पानीपत के क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से बातें रखी का काम हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ जी, भूखे मर गए, सरकार ने तो ऐसा मार दिया भूखा, ऐसे दिन कभी नहीं देखे थे हमने। तो नेता तो कह रहे कि उन्होंने रोजगार दे दिया, पूरे तरीके से हालात बदल दिए। कौन से रोजगार दे दिए? कोई रोजगार नहीं दिया है। ये जो उनसे ग्रुप डी की वैकेंसियां कर रहे हैं, क्या लगा 18,000 वैकेंसी निकाली थी, इसमें सारी धांधलेबाजी हुई है। कैप्टन अभिमन्यु के गाँव में पूरे लगे हैं, 65 में से 65 लगे हैं। ये करे विकास करे, क्या लगा विकास नहीं, नाश किया है। हमारी नालियां गलियां बढ़ाई है, पहले मेरा सड़क से 3 फुट मकान ऊपर था, आज वो 3 फुट नीचे जा चुका है, विकास नहीं। जी जी, नुरवाड़े में आप देख ले गलियां बना रहे हैं, वहाँ जो है ना मतवल ईट इतने नीचे चले गए हैं, घर कैसे बनाएंगे दोबारा? गरीब आदमी है, करोड़ों रुपए का नुकसान है। तो ये बीजेपी जो है ना जिंदगी में कभी नहीं आएगी दोबारा, बिल्कुल भी। जी जी, इसका जवाब रमेश जी, आप तो कह रहे थे कि बहुत विकास हो गया है, यहाँ पे जनता तो पूरे तरीके से नकार रही कि ना तो गलियां बनी है और रोजगार की बात आप करें, ना रोजगार मिला किसी को। ऐसा है जी, पानीपत ग्रामीण में, अकेले पानीपत ग्रामीण में अब जो अवैध कॉलोनियाँ थी, ये बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, ये 100 से भी ऊपर कॉलोनियाँ हैं, लेकिन अवैध कॉलोनियों को भी वैध कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी, वैध तो करा दे लेकिन काम जो है उसमें भी गड़बड़ी है। काम पे ही आ रहा हूँ, ये भी एक काम है, वैध कॉलोनियाँ कराई हैं। वैध कॉलोनियों में जैसे पानी का है, सीवर सिस्टम है, सड़कों का है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी आने से पहले यहाँ नली गली का बिल्कुल भी काम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इन जो कॉलोनियाँ हैं इनमें इतना काम हुआ है कि 200-250 करोड़ रुपये तक के काम इन कॉलोनियों में हुए हैं, सड़कें और नली और गली। जो सीवर का मेरे भाई बोल रहे थे अभी, अब सीवर का ऊंचे मकान और नीचे मकान हो गए, वो हमने लेवल जो एक करना है। आपसे दोबारा जानेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता राम रतन जी हैं, आप कैसे देखते हैं तमाम वायदे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं? देखो, ये सारी जनता आम लोग यहाँ बैठे हैं कि बीजेपी पार्टी सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। मेरे अजीज, मेरे बड़े भाई ने बताया कि हमने कॉलोनी वैध की है। भाई, आपने कॉलोनी वैध करी है, ये पिछली सरकार का भी मुद्दा था, इस सरकार का भी मुद्दा कॉलोनी वैध। भाई, डेवलपमेंट चार्ज, एक गरीब आदमी रेहड़ी वाला, एक किसान मजदूर, एक छोटी दुकान करने वाला, वो 100 गज का, 50 गज का, 200 गज का मकान अपने 1-2 बीघा जमीन बेचकर शहर में आया अपना रोजगार करने के लिए, आप उसको 400-500 रुपये डेवलपमेंट चार्ज ला रहे हैं। अगर भाई आपने रजिस्ट्रियां खोल ली है तो उनके डायरेक्ट रजिस्ट्री करिए आप। दूसरा, डकैती डालने का काम ही है। आज आम आदमी पर मोटरसाइकिल बाइक का चलान देखिए, इनका कितना महंगा चलान है। भाई, अगर आपने चलान करना, अगर उसका हेलमेट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं
कि भाई अपना कोई भी आधार कार्ड से हमने सब कुछ किया, यानी कि आधार कार्ड से लिंक किया है, तो आप उसका उसी टाइम कागज चेक करिए भाई साहब, उसी टाइम अपना ले आइए और वहां गुंठा लगाइए, उसके पास सारी चीज है। बीआर कोसी की जी, बीआर आपसे सवाल ये लेंगे कि बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब पानीपत है, करीब 2500 जो 25000 के करीब जो है इकाई है, औद्योगिक इकाई है, तो क्या हालात यहाँ पर देखते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लगातार जो ग्राफ है नीचे गिर रहा है? मैं इसके ऊपर ही बताऊंगा, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, मैं यहां पूरी जनता बैठी है और पूरी जनता से मैं बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो आंखों के सबके आंखों के सामने है, सबकी आंखों के सामने है, वो भ्रष्टाचार है मूर्थल के पास जो टोल टैक्स लगा हुआ है, ना सड़कें बनी हैं ना ही फ्लाई ओवर्स बने हैं, लेकिन जनता का पिछले 1.5 वर्षों से जनता की जेब काटने का काम टोटल भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। वो क्या ये जनता, जो मैं जनता के आप ये क्वेश्चन करना जनता से, आप जो लोग वहाँ झगड़ा करते हैं, झगड़े से डरते हैं, उनको निकाल देते हैं, जो लोग जिनके पास ताकत है किसी पदों पर है वो फरी चलते हैं, क्योंकि वो एक आम आदमी की जेब काटने का सबसे बड़ा उसका पैसा कहाँ जा रहा है, किन किन मंत्रियों की किन किन एमएलए की जेब में जा रहा है, वो आप लोग अपने माध्यम से ये क्वेश्चन इन लोगों से पूछेंगे, जनता जनता से आपके पास आएंगे बिहार को, जनता के पास चलते हैं सीधे, यहाँ से जनता आप क्या कहेंगे पानीपत की स्थिति को लेकर, चाहे रोजगार की बात है, एजुकेशन की बात है, आप युवा हैं क्या कहेंगे, क्या एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, रोजगार के नए साधन मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा बिल्कुल जी, मतलब रोजगार की बात करेंगे तो जिस भीड़ में खड़े ना सारे बेरोजगार हैं, और सड़क की बात करो तो माइक लेके मेरे गेले गेल चाल पड़ो सड़क पे देख लेंगे क्या हाल हो जाए। सरकार तो ये करेगी मेरिट बेस पे नौकरियां लगाई, और हरियाणा से बेरोजगारी पूरे तरीके से खत्म होने वाली है। हरियाणा से बेरोजगारी खत्म हो जाए तो जी बेरोजगार को करोगे, रोजगार तो दिए गरीबा को, फिर मैं दिए डी ग्रुप के, और जो बड़ी नौकरी दी मैं तो पैसे वाले को दी, करप्शन चला इसमें भी, ठीक है जी, सारा ये मिली भगत चल रही है, एक बार तो कर दिया खाडी ग्रुप की तो नौकरी दे दी, साफ छवि के बनने की सोची, फिर जो बड़ी नौकरी थी मैं 70-70, 72-72 लाख रुपये दे कर ली है। RTI के तहत जी कैप्टन अभिमन्यु का वो निकलवा के देखो तो पता लग जाएगा कितनी विकास हुआ है, कितना क्या हुआ प्रदेश के अंदर। रमेश जी ये तो लगातार जनता, आप कह रहे थे कि डी ग्रुप में इतनी नौकरियां दे दी है, भ्रष्टाचार पूरे तरीके से खत्म है, यहाँ पर तमाम युवा खड़े हैं, इनका आरोप है कि पानीपत के अंदर कोई अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, नौकरियां दी गई डी ग्रुप की लेकिन नाम मात्र नौकरियां हैं, उससे काम चलने वाला है नहीं। नाम मात्र नौकरियां नहीं है, 70000 नौकरियां प्रदेश में लगी हैं, 70000 नौकरियां नाम मात्र नहीं है, और ये 5 साल में 70000 लगी हैं, लेकिन सरकार ने दावे बड़े किए थे। पार दिशा थे जो भी नौकरी मेरिट बेस पे लगी हैं वो उसमें कोई पर्ची और खर्ची का कोई सिस्टम नहीं है, ना पर्ची चली ना खर्ची चली और ना नेता का भ्रष्टाचार, पूर्ण रूप से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने नौकरियों में समाप्त किया है। और दूसरा जैसे जैसे मास्टर वाली ट्रांसफर में भी है, जो भ्रष्टाचार हरियाणा में अब खत्म हुआ है, पहले इतना भ्रष्टाचार था कि कांग्रेस का 10 साल का राज रहा है, मेरा भाई कांग्रेस में बोल रहा था अभी, 10 साल का शासन रहा है, रोहतक सोनीपत और झज्जर के स्वाया कोई नौकरी नहीं लगता था, और लेकिन जिस तरीके से हमारे भाई जो है कह रहे हैं कि नौकरियों में पारदर्शिता की, मैं बताना चाहूंगा इनको, एक क्लर्क का, पटवारी का, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का, एक्साइज इंस्पेक्टर का, यहाँ तक कि तहसीलदार से लेकर जज तक का पेपर लीक हुआ है, और जज तक का पेपर लीक होने के बाद ये पारदर्शिता की बात करते हैं। और कमाल की बात तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किसी एक को भी जेल के अंदर भेजने का काम नहीं करा। दूसरी नंबर बात, जो ये ग्रुप डी का जो ढिंडोरा जो ये पीटते हैं, ग्रुप डी में पहले से जो लोग काम कर रहे थे, पहले से जो कम पढ़े लिखे युवा काम कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते, उनको हटा करके PhD किए हुए, MA किए हुए, BA किए हुए, BTech किए हुए बच्चों को वहाँ नौकरी देने का काम किया, उनको चपड़ासी का, माड़ी का काम करना पड़ता है, ये बड़े शर्म की बात है जी। हमारे साथ कुछ और लोग भी, संदीप जी आपके पास आएंगे, आप युवा नेता हैं और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, राजनीतिक बातें होती रहती है, आप कैसे देखते हैं पानीपत की समस्याओं को, और क्या सरकार वाकई जो बात कह रही है उनको पूरा किया गया है?
आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप जाके देखे ना, मेरे बड़े भाई साहब कह रहे थे अभी कि भाई उन्होंने गलियां पक्की कराई गलियां। मैं थारे से पूछना चाहूंगा, ये भाई ढिंडोरा पीट रहे बीजेपी आले, अगर हमने गली पक्की कराई उन गलिया गैवज में कितना नुकसान होया होगा घर का। ये चाचा की बात सुन, छह फुट नेता जी, गरीब आदमी पे एक बार घर नहीं बनता, इतने घर दाब दिए इतने। यहाँ के यहाँ पानीपत ग्रामीण के विधायक तो कहते हैं उन्होंने 2300 करोड़ से ज्यादा रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र में लगा दिए हैं। बुलाओ ना, अरे जनता के सामने बुलाओ विधायक को, जनता के सामने बुलाओ विधायक, तो भाज गए श्याम लेना रही जनता, बुलाओ और गलत करे नेता जी, बुलाओ उसको, वहां लेंगे ये हिसाब लेंगे। गरीब आदमी पे एक मकान नहीं बनता चाचा, और 7 फुट 8 फुट दाब दिया ने इन तनु जुन से ढिंडोरा पीट रहे भ्रष्टाचार नी। हर गली पहले बनाई ई पैड के उसमें शिविर दाब है, और जाके देखो 20 गलियां मैं दिखाऊं उन गलियों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ कहना चाहते रामचंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब ने कहा कि हमने नौकरी दी, रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि भाई हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम गैस टीचरों को पक्का करेंगे, और वह पक्का करे पंचकूले मर करनाल में डंडा परेड कर रखी ने, जिससे जो शिक्षा देते हैं जिससे हमारा विकास होगा। दूसरी बात, गौ माता का नाम लेते हैं, पूरे पानीपत में एक गौशाला की नेम बता दो, एक सनोली में गौशाला थी उसमें भी थाना खोल दिया ने, यानी के झूठ बोल रहे और झूठ की राजनीति करते हैं लोग, कोई काम नहीं करे ने। एक स्कूल की नेम बता दो पूरे ग्रामीण में, एक स्कूल की नीम बता दो, एक एक हॉस्पिटल बनाए ने 10 बेड का, वो भी अपनी ससुराल में बना दिया, वो भी ससुराल में बना दिया। ज्योति कॉलोनी में एक गली बनाई ने, वो भी अपने साड़े के मकान के सामने बना दी सारी जरूरी। जिरमे जी, जवाब आपको देना होगा, और आरोप बड़े लग रहे, आप तो कह रहे थे कि गलियां बना दी, इतना विकास पानीपत का कर दिया, लेकिन आप तो तमाम जनता और तमाम नेता इन बातों को नकार रहे हैं। पूरे पानीपत ग्रामीण की जनता को पता है, पहले बिल्कुल भी गलियों का बुरा हाल था, निकलने तक मोटरसाइकिल तक या पैदल तक भी नहीं जा सकता था, आज उन गलियों में पक्की गलियां हैं और मोटरसाइकिल भी दौड़ती है और गाड़ियां भी जाती हैं। और जो शिवर की बात मेरे भाई कर रहे हैं, जो शिवर का हमें जो पानी ले जाना पड़ता है वो कहीं थोड़ा बहुत लेवल ऊपर हो गया है, लेकिन वो पानी को बाहर नाले तक ले जाने के लिए और लेवल बनाने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, ये कोई ये नहीं है कि भी मकान ऊपर नीचे हो गया। पानीपत सिटी को लेकर क्या कहेंगे, पूरे शहर के अंदर जाम की स्थिति रहती है, बरसाती पानी की। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पहले पानी जो सीवर का या नाले का या कोई भी पानी अवैध कॉलोनियों से वैध कॉलोनियों से नहीं जाता था, जो बाहर नहीं निकलता था, वही किसी खाली प्लाट में पड़ा रहता था, गंदगी फैलती थी, बहुत ज्यादा गंदगी थी इन कॉलोनियों में, ये हमने निकालने का काम किया है, हमारी सरकार ने ये काम किया है। पिछले चुनाव में जो मैनिफेस्टो लेके आई थी, मैनिफेस्टो पूरा हो गया 5 साल का, हमारी सरकार आने के बाद पूरा हरियाणा एक समान विकास माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, चाहे हमारी सरकार का विधायक है या हमारी सरकार का नहीं है विधायक, उनका भी हमने समान विकास का काम किया है। पूरे हरियाणा में एक नजर से देखा है, एक हरियाणा एक हरियाणवी हरियाणी तक के नारे हमने दिए हैं, हमारी सरकार ने जो मेरे भाई अभी कह रहे थे, आज से पहले एक सरकार हमने ऐसी भी देखी थी जिसमें विधायक भी सेफ नहीं थे, जो विधायक को भी जहाज में भी कुटा जाता था, लेकिन आज हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है, हर आदमी सेफ है, कहीं किसी का, मेरे भाई राम रतन जी ने कहा है कि भी वो मुकुट लगा रहा था, ये हमारी पद्धति नहीं है, लेकिन उन्होंने मना किया है, अगर मैं मुकुट नहीं पहनना चाहता उस चीज का, और ये हमारी आपस की बात है, हमारा नेता है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारा ही मुख्यमंत्री है, हमारे आपस की बात है, आप लोग उसमें दखल ना दें। हमारी अब जनता से सीधे सवाल, जनता से सवाल लेंगे, आपसे जानेंगे क्या हरियाणा में समान विकास हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और रोजगार सबको मिल गया है? रोजगार तो ऐसा है, कहीं रोजगार नहीं मिला, हमारे पावर लूम इंडस्ट्री में मेरा खुद का स्पेयर पार्ट का बिजनेस था, सारी फैक्ट्रियां बंद है, आज के टाइम में लोग काम के लिए मारे फिर रहे, किसी के पास खाने को कोई रोटी नहीं है, खाने के पास किसी के पास रोटी नहीं है, सभी लोग भूखे मर रहे हैं, सभी जी आप।
हाँ जी गली सरकार ने समान विकास रोजगार सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। हाँ जी कौन से विकास की बात करते हैं? मुझे तो आज तक कोई समझ नहीं आया। पाँच साल में मैं जनता के बीच में रहती हूँ, मुझे कोई एक भी ऐसा शख्स बताए जो कहता हो कि मैं मुझे नौकरी मिली है, या कोई कहता है कि मैं बीपीएल पात्र हूँ, मुझे कोई कॉलोनी मिली है। मैं छोटी से छोटी बात करती हूँ, कौन से विकास की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी? मुझे तो समझ ही नहीं आती ये बात। किस आदमी ने जी जी सर, इनका विकास हुआ, इनके एमपी का, इनके एमएलओ का, इनके मंत्रियों का विकास हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं है। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बिजली है, ना पानी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो रोजगार दो जी बस। जी जी क्या कह सकते हैं जी? नहीं सरकार के बारे में, आप जनता है, आपको वोट का अधिकार है, वोट देते हैं, आप सरकार बनाते हैं। हम तो इतना ही बताया कि आज बेरोजगार वही खड़ा है जहाँ 10 साल पहले खड़ा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब ऐसा काम हो रहा है, ठाडा मारा रोन देनी, खाट खोसले सुन देनी, ओ काम हो रहा है। बात खत्म। के रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के यूनिट के रेट 7.5 रुपए पर यूनिट करती है, 27,000 रुपए महीने बिजली बिल आ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी सिस्टम ठीक नहीं है। सब लच्छेदार बात करके वोट बैंक पक्का करने का तरीका और कुछ नहीं। नेताजी तो कह रहे कि सारे काम करते हैं, समान विकास कर दिया पूरे हरियाणा का, भ्रष्टाचार खत्म, फ्रॉड बातें सब तो पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब शॉर्ट में सभी नेताओं से एक एक बात ले लेते हैं। सबसे पहले संदीप जी अपनी बात बहुत छोटे समय में रखिए। हाँ, जो ये विकास का डिंडोर भाई सुनो, कोई एक बड़ी समस्या या बड़ा मुद्दा पानीपत से जुड़ा हुआ? हाँ, मेरे नेता जी कह रहे थे अग भाई हमने सड़कें बनवा दी और मैं वीडियो कॉलिंग करा दूंगा, जाकर देखो विद्यानंद कॉलोनी में। मैं चैलेंज करूँ नेताजी, पैदल भी निकल जाओ, तो पैदल भी निकल जाओ। और रही बात यह अग हमने भाई शिक्षा दे दी, ये कहें शिक्षा दी अग भाई हमने मेरिट पर लाए बालक, एक इंस्टीट्यूट ऐसा बता दो जिसमें गरीब के बालक तुमने पढ़ाए हो, किसी भी बेरोजगार के, किसी मजदूर के, किसों के बालक पढ़ाई की थी कोचिंग खतर? अरे दिल्ली पब्लिक स्कूल आएगी भाई कोचिंग, डीपीएस स्कूल आएगी। बता सड़कों के और शिक्षा के बुरे हालात, दो सवाल आप गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे। कोई एक सवाल, मैं एक ही बात कहूंगा, झूठ बोले कौवा काटे, इन झूठ बोलने वालों से डरियो, नहीं तो ये पानीपत का नाश कर देंगे, फिर तुम देखते रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल है शॉर्ट में। देखिए टेक्सटाइल की सबसे बड़ा उद्योग यहाँ पर है और यहाँ टेक्सटाइल की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, मजदूर जहाँ 100 मजदूर हुआ करते थे आज 10 मजदूर है। निवेश नाम की चीज़ नहीं है, एक्सपोर्ट बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है और जब तक ये चीज़ें नहीं चलेंगी तब तक हमारा जो आम आदमी है वहाँ तक पैसा, वहाँ तक इनकम नहीं जाएगी। पानीपत में उद्योग नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, कल 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 हेलो कल 4500 बच्चों का पेपर है, 3 दिन पेपर हो गए 4500 बच्चों के लिए, जिसमें 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, 4500 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी कोई बात नहीं। जो 14,96,500 बच्चे होंगे उनके लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बताएगी? 14,96,500 बच्चों के लिए क्या किया है बताइए? रोजगार की बात देखो देखो, रोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी रोजगार मेला लगाते हैं और रोजगार देने के लिए बुलाते हैं जमाटे वाले ने। दूसरी बात एक और कहूंगा, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पानीपत से शुरू हुआ था, हर 6 महीने हर 3रे महीने यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होता है, उनका मर्डर होता है, यहाँ का आज तक कोई भी नुमाइंदा नहीं गया। एमा मालिनी ने वहां गीता जयंती पर अपनी स्टेज पर नचावे और 28 लाख का चेक कट कर देते हैं। और इनका मनोज तिवारी, इनका मनोज तिवारी वो एक अध्यापी एक अध्यापक ये कहता है अगर ये गाना सुना दो तो उसकी बेइज्जती करे और उसको ये 29 लाख का चेक दे दे कैट के। जी बिल्कुल टीपू जी अपनी बात, एक सवाल पानीपत से जुड़ा, पानीपत की समस्या से जुड़ा। देखो रोजगार की जो आपने बात करी, रोजगार का इतना बुरा हाल है कि हरियाणा प्रदेश में लिस्ट लगी 80 एसडीओ की लिस्ट लगी, उस 80 में से सिर्फ 2 हरियाणा के थे और बाकी सब बाहर के थे। और मैं आपको बताना चाहूं जिस तरीके से अभी जो जनता इसका जवाब देगी, जो ये विधानसभा पानीपत ग्रामीण में महिपाल डांडा जी झूठे विकास की बात करते हैं, हमारा जसपा का उम्मीदवार भाई देवेंद्र सिंह कादन जीत करके आएगा और जनता, वो तो जनता तय करेगी, वो जनता कौन जीतेगा जनता तय करेगी। परमेश जी आपने कहा हमने तमाम सवाल लिए, शिक्षा की बात को लेकर तमाम बातें सामने की, शिक्षा का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं लेकर आ पाए, मेडिकल से जुड़ी सुविधा यहाँ पर नहीं लेकर आए, गलियों और सड़कों की बात कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है उसकी बुरे हालात है, मजदूर लगातार निकाले थे, फिर 5 साल में काम किया तो क्या किया? आप मेडिकल की जो बात कर रहे हैं, आज हमारा हॉस्पिटल
इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने जो किया है ये मेडिकल का ही तो किया है। ये जो बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग बन गई, डॉक्टरों की भारी कमी है, मशीनों की भारी कमी है, क्या इमारत बनाने से इलाज हो जाएगा? डॉक्टर भी बढ़ाने का काम हमने किया है, हर चीज को हमने डॉक्टर बढ़ाए हैं, रेडियोलॉजी बढ़ाए हैं और हॉस्पिटल का सुधार किया है। जो पहले हाल था, पहले बहुत बुरा हाल था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन ईमानदार सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ईमानदार। रोजगार की बात पे क्या कहेंगे? रोजगार की बात पे आपने सुना कि साढ़े चार हजार नौकरियों के लिए 15 लाख आवेदन आते हैं, तो इसे क्या मानते हैं, रोजगारी या बेरोजगारी? इतनी पारदर्शिता से जो नौकरी हरियाणा में लगी है आज से पहले कभी नहीं लगी, और जो 70,000 नौकरियां हरियाणा में ईमानदारी से मिली हैं आज से पहले कभी नहीं मिली थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री जी खुद आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा जो पहले आंकड़ा था 831 कितना था, लेकिन आज हमने बढ़ाया है। हमने जो काम किए हैं, स्वच्छ भारत की आप बात करते हो, स्वच्छ भारत में भी हमने जो सोच बदली है लोगों की जो जनता में एक अवेयरनेस आया है वो हमारा ही देन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, स्वच्छ भारत होगा बीमारी नहीं होगी, यही इसी के कारण भारत स्वच्छ हुआ है। और हमारे जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने भी अपनी ईमानदारी से और मेहनत से और लगन से जो काम किए हैं हरियाणा में दिन जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पर जनता को आपने सुना, तमाम नेताओं को आपने सुना। हालांकि जनता के आरोप थे कि पानीपत को लेकर, चाहे विकास की बात है, चाहे इंडस्ट्री के हालात की बात है, एजुकेशन की बात है, रोजगार की बात है, तमाम मुद्दों पर जनता ने नेताओं को घेरा, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के नेता अपनी सरकार की बड़ाई करते नहीं थकते। विधानसभा चुनाव बहुत जल्द हरियाणा में होने वाला है और उसके बाद जनता तय करेगी कि पानीपत की जनता किसे यहां से अपना विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आगे ज्यादा और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए R9 TV।